और बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को प्रकाशोत्सव के पावन पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही इस मौके पर देशवासियों की खुशहाली की भी कामना की। तो नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही थी। और इसी के साथ साथ दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और इसी के साथ साथ प्रदेश और देशवासियों की खुशहाली की भी कामना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान दिवाली की शुभकामनाएं दी और इसी के साथ साथ देश और प्रदेशवासियों के खुशहाली के लिए कामना की है। दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एक दूसरे को गुलदस्ता देकर दिवाली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं और इसी के साथ साथ देश हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहे इस पर भी बातचीत हुई और इसी के साथ साथ दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस मौके पर सरदार पटेल को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए किए उनके महान कार्यों से प्रेरणा लेने का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के वही सूत्रधार थे। राष्ट्र शिल्पी के रूप में उनका योगदान हम सबकी प्रेरणा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली गोवर्धन एवं भाईदूज के पावन मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दीपों का यह पर्व अन्याय और जो है शोषण और विरुद्ध के न्याय एवं संघर्ष की विजय का उत्सव है। ये पर्व हमें सच्चाई और धर्म की राह पर चलने विपदाओं से नहीं घबराने को प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया है और कहा है कि भगवान श्रीराम के महान आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर बेसहारा एवं अभावग्रस्त लोगों की मदद करने का संकल्प लें जिससे कि सामाजिक समरसता की भी भावना मजबूत हो और देश प्रदेश प्रगति के नए आयाम स्थापित कर सके। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम शर्मा ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र को अखंड बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज का विस्तृत एकीकृत और सुनहरा भारत सरदार पटेल की कूटनीति व दूरदर्शिता का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लें। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई और एकता राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी है। भाईचारे की भावना मजबूत करने का संकल्प ले ऐसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि सीएम शर्मा ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र को एकता अखंडता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज का विस्तृत एकीकृत और सुनहरा भारत सरदार पटेल की कूटनीति व दूरदर्शिता का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लें। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहायक उप निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए महेश धवल को स्वस्थ और दीर्घायु रहने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान जोधपुर हाउस में धवल की सेवाओं का अभिवादन करते हुए उन्हें माल्यार्पण करते हुए शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देश राज गुर्जर, दिल्ली कार्यालय के निरीक्षक रामचंद्र और बद्री प्रसाद सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि महेश धवल ने राजस्थान पुलिस में सितंबर 1989 में ज्वाइन करने के उपरांत मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ के अतिरिक्त सी
आईडी, बॉर्डर इंटेलिजेंस, बाड़मेर, गंगानगर, राय और इसी के साथ साथ भारत सरकार के अतिरिक्त नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि दीपावली उत्साह और उमंग का त्यौहार है। इस बार की दीपावली का विशेष महत्व है क्योंकि अयोध्या धाम में 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रभु रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में विराजने के बाद ये पहली दीपावली है। सीएम शर्मा ने बुधवार को जयपुर के छोटी चौपड़ पर चांद पोल बाजार व्यापार मंडल की ओर से आयोजित सामूहिक लक्ष्मी पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान की समृद्धि से ही प्रदेश की समृद्धि होती है। ये प्रसन्नता का विषय है कि इस बार प्रदेश में भरपूर बारिश हुई है जिससे कि सभी बांध भरे हुए हैं और अच्छी पैदावार से प्रदेश के गांव, गरीब और किसान खुशहाल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दीपावली के उपलक्ष पर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए बड़ी चौपड़ पर स्ट्रीट वेंडर से मिट्टी के दिए एवं पूजन सामग्री की खरीदारी की एवं UPI के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने ज्योति पर्व दीपावली के अवसर पर राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना करते हुए प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। DGP साहू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में शांति और कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों पर लगाम कसने और जन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा सदैव एक मिसाल रहा है। यहाँ सभी लोग त्योहारों की खुशियां मिलजुल कर मनाते हैं और इससे ये परंपराएं और मजबूत होती है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस बार भी दीपावली का त्यौहार सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए इन परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर DGP साहू ने दीपावली पर शुभकामनाएं दी है और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाए ऐसा अपील की जा रही है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने ज्योति पर्व दीपावली के मौके पर राजस्थान पुलिस परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की मंगल कामना करते हुए प्रदेश में पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ साथ DGP साहू ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राजस्थान पुलिस प्रदेश में शांति और कानून का एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपराधों पर लगाम लगाने तथा जन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और वही प्रदेश के सभी लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और भाईचारा सदैव मिसाल रहा है और यहां सभी लोग त्योहारों की खुशियां मिलजुल कर मनाते हैं। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। देवनानी ने कहा कि पंच दिवसीय दीपोत्सव मुझे आनंद का जर उत्सव है और इस त्यौहार को सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाएं और समाज में आपसी सौहार्द, सद्भाव और खुशहाली का वातावरण बनाएं। देवरानी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीपावली सभी के जीवन में खुशी लाए, सभी लोग निरंतर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में प्रगति करते रहे और सभी लोग सुखी रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिवाली समकालीन मानवीय मूल्यों का प्रतिबिंब है। एकता, करुणा और अतिरिक्त विकास के साथ दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन को रोशन करे, राष्ट्र के उज्ज्वल और सामंजस्य भविष्य के लिए सभी के जीवन को सुखमय बनाने के वातावरण निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को सक्रिय भागीदारी निभाने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी जहां एक ओर पंच दिवसीय दीपोत्सव की शुभकामनाएं प्रेषित कर रही है तो वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र के महापर्व मतदान में भी अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील भी कर रही है। BJP कार्यकर्ताओं की ओर से उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आमजन को दिवाली के राम राम के साथ BJP सरकार की उपलब्धियों की सौगात भी बताई जा रही है। BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि देशवासियों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए तीसरी बार कमान सौंपी है, वही विकसित राजस्थान के लिए प्रदेशवासियों ने BJP सरकार को
कमान सौंपी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकसित राजस्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विकास और समृद्धि की गारंटी देते हुए विश्वास दिलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के लिए योजनाबद्ध लागू कर राजस्थान को विकास, सुरक्षा और स्थिरता की नई राह की ओर ले जाएंगे और ऐसे में बीजेपी सरकार की ओर अधिक मजबूत करने के लिए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाए। जयपुर आवास पर बीजेपी हरियाणा प्रभारी एवं बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने प्रदेश भर से पधारे पार्टी कार्यकर्ताओं और इसी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, आमजन एवं पदाधिकारियों से सनातन परंपरा के पर्व दीपावली की रामा श्यामा कर शुभकामनाएं दी हैं। तो जयपुर से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है, दीपावली की रामा श्यामा पर शुभकामनाएं दी है। जयपुर आवास पर बीजेपी हरियाणा प्रभारी एवं बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने प्रदेश भर में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी है और इसी के साथ साथ अपील भी की है कि पटाखे ना चलाए और इसी के साथ साथ तमाम बातों का भी उन्होंने जिक्र किया और इसी के साथ साथ सनातन परंपरा के पर्व दीपावली रामा श्यामा पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आवास पर बीजेपी जो है हरियाणा प्रभारी एवं बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने प्रदेश भर में पधारे पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, आमजन एवं पदाधिकारियों से सनातन परंपरा के पर्व दीपावली की श्यामा रामा पर शुभकामनाएं दी है। तो आपको बता दें, आज पूरे देश में दिवाली का पर्व जो है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीपावली की शुभकामनाएं दी जा रही है और इसी के साथ साथ अपील भी की जा रही है कि पटाखे से बचें जिससे कि प्रदूषण वातावरण ना हो। प्रमुख शासन सचिव व नगरीय विकास विभाग बैफो गालरिया और जयपुर विकास आयुक्त आनंद के समक्ष बीसीजी द्वारा हाईटेक सिटी पर प्रेजेंटेशन दिया गया है। बैठक में निदेशक अभियांत्रिकी, द्वितीय निदेशक आयोजना, निदेशक वित्त सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। तो वहीं बैठक में बीसीजी के प्रोजेक्ट लीडर शेयर रमन द्वारा हाईटेक सिटी कैसे विकसित की जा सकती है और इससे क्या परिलाभ होंगे के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी। रमन द्वारा हाईटेक सिटी से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कनेक्टिविटी, मिक्स यूज जोनिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। और दीपावली की पूर्व संध्या पर रोटी बैंक बांसू द्वारा कस्बे के सुभाष चौक पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम दिया मुख्य अतिथि पूर्व अधिशासी अभियंता एसके मिश्रा द्वारा प्रज्वलित किया गया। रोटी बैंक संचालक आरसी यादव ने बताया कि अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले वीरों की याद में ये कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, एएसआई अशोक कुमार प्रताप सिंह, इंजीनियर राज सिंह मीणा, जिला पार्षद मनोज यादव, सुभाष बराला, सुरेश राव, अजय यादव, हीरालाल सिरोही, बाल राम सिंह यादव और इस तमाम रोटी बैंक की टीम उपस्थित रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि दीपावली की पूर्व संध्या पर रोटी बैंक बांसूर द्वारा कस्बे के सुभाष चौक पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों के नाम एक दिया जलाया जा रहा है और इसी के साथ साथ प्रथम दिया कस्बे के सुभाष चौक पर एक दिया शहीदों के नाम लगाया गया, आयोजित की गई। प्रथम दिया मुख्य अतिथि पूर्व अधिशासी अभियंता एस के मिश्रा द्वारा प्रज्वलित किया गया है और इसी के साथ साथ रोटी बैंक संचालक आर सी यादव ने बताया कि अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले वीरों की याद में कार्यक्रम प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, एएसआई आशीष कुमार प्रताप और इंजीनियर जय सिंह मीणा, जिला पार्षद मनोज यादव, सुभाष बुराला, सुरेंद्र राव, अजय यादव, हीरालाल
सिरोही लाल राम सिंह यादव सहित रोटी बैंक की टीम उपस्थित रही, जहां तस्वीरें बांसुर से दिखा रहे, जहां पर एक दिया शहीदों के नाम के जलाए जा रहे हैं और दिया जलाकर शहीदों को याद भी किया जा रहा है। शहीद की याद में जो ये कार्यक्रम है, ये प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष दिया जलाया जाता है और इसी के साथ साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। नागौर क्योसर विधानसभा से आरएलपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल उपचुनाव को लेकर बुधवार को एक दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया। वहीं उनके साथ सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, आरएलपी नेता मेघ सिंह चौधरी, भागीरथ डूडी सहित कई नेता मौजूद रहे। कनिका ने कहा कि क्योसर प्रदेश में विकास कार्यों में अग्रणी है और विकास का यह काम जो है, ये क्रम अधिक चले, इसलिए आने वाले 13 नवंबर को बोतल के चिन्ह पर मतदान करना है। कनिका बेनीवाल ने सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। वहीं नारायण बेनीवाल ने भी लोगों से आरएलपी के पक्ष में मतदान की अपील की। और जयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला जज एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियों एवं कार्य की वर्तमान प्रगति, हर घर नल से जल कनेक्शन की वस्तुस्थिति सहित अन्य अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। और जिला कलेक्टर ने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और डिस्कॉम के अधिकारी आपसी जो है सहयोग एवं समन्वय से कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन करें, ताकि योजना के तहत जिले के मिले लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिले के जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियां एवं कार्य की वर्तमान प्रगति, हर घर नल जल से कनेक्शन की वस्तुस्थिति सहित अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग और डिस्कॉम के अधिकारी आपसी सहयोग एवं समन्वय से कार्य करते हुए ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन करें, ताकि योजना के तहत जिले के मिले लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई है, बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि यहां पर जल जीवन मिशन के सहित तमाम योजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे, हर घर नल जल से योजना के कनेक्शन पहुंचे, इस पर भी चर्चा की गई, इस पर भी बातचीत की गई। धौलपुर पुलिस ने खाद्य विभाग से उलट मिलावट खोरों के खिलाफ बीते 24 घंटे में एक साथ कई जगह छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस की मुस्तैदी से बड़े स्तर पर नकली मावा मिठाई और मिल्क केक की खेप पकड़ी गई है। और इसी के साथ साथ इस कई जगह हुई कार्रवाई के बाद कई बड़े स्तर पर मिलावटी सामान पकड़े जाने पर मोबाइल फॉरेंसिक टेस्टिंग लैब में उनके नमूने लिए गए हैं, जिससे प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि मिलावटी पाए गया। कार्रवाई की सूचना खाद्य विभाग को दी गई, इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मावे को नष्ट करते हुए सैंपल लिए और एक साथ बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान मिलने के बाद भी खाद्य विभाग के किसी के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं कराया गया, जिससे कि खाद्य विभाग की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो सके। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धौलपुर से, जहां पर खाद्य विभाग के कार्य मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। नकली मिठाई और मिल्केक की खेप पकड़ी गई है और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे खाद्य विभाग की ये कार्रवाई है, जिस पर सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें धौलपुर पुलिस ने खाद्य विभाग से उलट मिलावटखोरों के खिलाफ बीते 24 घंटे में एक साथ कई जगह छापेमार कार्रवाई की। पुलिस की मुस्तैदी से बड़े स्तर पर नकली मावा मिठाई और मिल्क केक की खेप पकड़ी गई है। एक साथ कई जगह खेप जगह हुई कार्रवाई के बाद बड़े स्तर पर मिलावटी सामान पकड़े जाने पर मोबाइल फॉरेंसिक टेस्टिंग लैब में उनके नमूने लिए गए, जिससे कि प्रारंभिक जांच में ये मावा मिलावटी पाए गए। कार्रवाई की सूचना खाद्य विभाग को दी गई, इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मावे को नष्ट करते हुए सैंपल लिया और एक साथ ही बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान मिलने के बाद भी खाद्य विभाग ने किसी
के खिलाफ कोई कानून मामला दर्ज नहीं किया, जिससे खाद्य विभाग की कार्रवाई के सक्रियता पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर धौलपुर से, जहां खाद्य विभाग की मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ मिठाई नकली पकड़ी गई है। पूरे राज्य में शुद्ध आहार एवं मिलावट परवार अभियान संचालित है। इसी क्रम में धौलपुर जिले में लगातार 8 अक्टूबर से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार सुबह बदरिका में एक कोल्ड स्टोरेज में मिक्स केक रखा हुआ था, जिसमें से नमूना लेकर के करीब 2220 किलो मिक्स केक जो बदबूदार था उसको नष्ट करवाया गया मौके पर गड्ढा खुलवा करके। दूसरी कार्रवाई में बोधपुरा में नन्हे खा मावा भंडार, जिसमें चार नमूने लिए गए हैं। एक नमूना मावा का, एक मिश्रित दूध का और एक क्रीम का नमूना लिया गया है और एक अपना इसका घी का नमूना लिया गया है। 170 किलो घी को सीज किया गया है संदेह के आधार पर और करीब 1400 किलो मावा जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे साथ चल रही है उसकी जांच में। और बांसुर कस्बे के पुराने अलवर सैंड पर ब्यूटी पार्लर की दुकान का मामला है, जहां पार्लर की दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर रा मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बाइक सवार पिता पुत्र की साथ मारपीट कर दी है, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं मौजूद लोगों ने महिला की बदसुलूकी को लेकर आक्रोश जताया है। मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला पुलिस के साथ भी उलझ पड़ी। महिला ने पुलिस कर्मियों के कपड़े फाड़ दिए। मौजूद लोगों ने कहा है कि महिला आए दिन लोगों से उलझ रहती है और अभद्रता करती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांसुर से, जहां पर बाइक खड़ी करने को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता पुत्री बाइक से थे और उनसे बहस की है महिला ने। हालांकि महिला पर यह भी आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि महिला आए दिन लोगों से उलझती है, लड़ाई झगड़ा करती रहती है। फिलहाल बाइक खड़ी करने को लेकर यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर एक महिला उलझती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ पार्लर संचालिका पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। महिला ने पुलिसकर्मियों के भी जो है कपड़े फाड़े हैं और इसी के साथ साथ अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बांसुर कस्बे के पुराने अलवर स्टैंड पर ब्यूटी पार्लर की दुकान का मामला ये पूरा बता रहे हैं और पार्लर की दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर मारपीट का पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि ब्यूटी और पार्लर संचालिका ने बाइक सवार पिता पुत्री के साथ मारपीट तक कर दी है, कपड़े तक फाड़ दिए गए और इसी के साथ साथ इसके बाद सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं मौजूद लोगों ने महिला की बदसुलूकी को लेकर आक्रोश जताया है और इसी के साथ साथ मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला पुलिस के साथ भी उलझ पड़ी और महिला ने पुलिस कर्मियों को कपड़े फाड़ दिए। मौजूदा लोगों ने कहा कि महिला आए दिन लोगों से उलझती रहती है। बांसुर से सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बाइक खड़ी करने को लेकर पूरा विवाद पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला बाइक सवार और उसकी पुत्री से उलझती और इसी के साथ साथ बात आगे बढ़ती और वहां पर मौजूद लोगों ने भी ये बात कही है कि जो महिला है वो आए दिन लोगों से उलझती रहती है और इसी के साथ साथ अपनी मनमानी करती हुई नजर आती है, जिसके बाद से ये आज जो है इतना बड़ा बवाल हो गया और भीड़ भी देखिए काफी लग गई, इकट्ठा हो गई, जहां महिला ने जो है पिता पुत्र से बाइक खड़ी को लेकर उलझ गई। मैं वहां पे आ रहा था तब्दील लेने के लिए, बोले कच्चे नारियल लेने के लिए, तो मौत के सामने गाड़ी खड़ी कर दी मेरे को। वो बोली अब थोड़ा सा आगे सरका लो गाड़ी, मैं आगे सरका लिया, फिर मैं चल दिया, फिर दूसरा वो मोटरसाइकिल बीच रोड बीच करने लग गया, फिर वो मैं उसका हाथ पकड़ के मैं बैठ के इधर कर देता हूँ, ये बात थी, उस पर लड़ाई झगड़ा करने लग गया। नहीं आपके कहाँ काम आ रही? मेरी एक तो लग रही सामने, एक गला बीच लिया, गला घोट लिया, वो दूसरे लड़के ने, और लड़की का काम आ रही, लड़के के वो गोट मारी, लड़की गोट। और बाड़मेर जिले के रिको थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 7 महीनों से फरार चल रहे आरोपी ओम प्रकाश निवासी गालाबेरी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपी थाना स्तर के टॉप 10 वांटेड में शामिल, 10,000 का इनामी है। और इसी के साथ साथ एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी ओम प्रकाश जाट थाना कोतवाली के गंभीर आरोप मारपीट के प्रकरण में करीब 7 माह से वांछित चल रहा था और थाना सदर बस्तर पर टॉप 10 वांटेड की सूची में शामिल कर 10,000 के इनाम का घोषणा की है। आरोपियों के ठिकाने पर दबिश दी गई कि पुलिस की भावना जो है भनक लगते ही टीम ने करीब किलोमीटर पीछा कर आरोपी और राव ओम प्रकाश जाट को दस्तायेब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर से, जहां बाड़मेर जिले के थाना रिको पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने 10,000 रुपए का जो इनामी अपराधी था, अब इस अपराधी को पुलिस ने अपने शिकंजे में ले लिया है। और इसी के साथ साथ जानलेवा हमले के मामले में ये पहले से ही 7 महीनों से वांछित था, और अब एक नया मोड़ आया जहां पर बाड़मेर जिले के थाना रिको पुलिस ने कार्रवाई की है। 10,000 रुपए का इनामी अपराधी जो है अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जिसके बाद से परिजनों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। तो वही जो आरोपी है वो भी अब डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो है उसकी जानकारी भी दी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Constant innovation, the group provides its